हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंड प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग पता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने वो लेवल में जो 40 नंबर में जो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप आया, क्वेश्चन आने वाले हैं जो जो इम्पोर्टेंट या पिछले पेपर्स में आए हुए हैं उसमें चर्चा की थी, उस क्वेश्चन लिए थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो क्वेश्चन देखे होगे तो आप या नहीं देखे होगे तो मेरे इस वीडियो को लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जरूर देखना वो, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए जुलाई 2019 एग्जाम के लिए। इस क्रम में 10 नंबर का और उसमें आता है, चूँकि 40 नंबर का होता है, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, इसी में 10 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आता है। तो आज जो सेशन होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर होगा। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कुछ प्रीवियस आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं, वो मैंने कुछ निकाले हुए हैं, तो इसको जो आप लास्ट जरूर देखिएगा, इसको अभी भी शेयर करिए ताकि और लोग वो लेवल एग्ज़ाम देने वाले हैं या जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी ये। तो अभी इसको लाइक किए, सब्सक्राइब किए, शेयर कीजिए। तो बिना कुछ देर किए हम लोग स्टार्ट करते अपना सेशन। तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आ गए। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ऊपर देखिए, ऊपर जो दिए हैं इसमें ध्यान दिएगा 10 आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन जो आंसर होगा वो 13 होगा। 1 2 2 4 1 5 5 9 4 13, एक 13 यानी 10 क्वेश्चन 13 जवाब। तो ये एक सरल होते सरल है, लेकिन कठिनाई क्या होती है, अधिक अगर ऑप्शन हो जाते हैं तो टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसका एक ही सरल सरल है, जो आपको आता जाए वो नोट करके और उसमें टिक लगाते जाए तो बाकी आपको क्या अलग करने में आसानी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है 4.1 का, कंटेन फर्स्ट स्टेज बूट लोडर प्रोग्राम। बहुत ही ईजी है, मैंने इसकी चर्चा भी की थी। इसका जो आंसर होगा वो 4.1 का MBR होगा। MBR कहाँ है, के 4.1 का MBR का फुल फॉर्म क्या होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक, MBR क्या है, मास्टर बूट रिकॉर्ड है। जब भी सिस्टम बूट करता है तो उसका जो फर्स्ट बूट लोडर प्रोग्राम होता है वो MBR में होता है। तो MBR क्या है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। उसका तो 4.1 का हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MBR का फुल फॉर्म पूछता है या पूछता है फर्स्ट बूट लोडर प्रोग्राम कहाँ पे रखा रहता है, तो MBR में रखा रहता है। अगला जो है, द एबिलिटी टू कम्बाइन नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ठीक, ऐसी कौन सी एबिलिटी है या कौन सा तरीका है, ठीक, तो क्या हो नेम एंड एड्रेस, जिसमें स्टैंडर्ड प्रोग्राम स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में नेम एंड एड्रेस ऑटोमेटिक फीड हो जाए। सर समझो, ये MS वर्ड की बात हो रही है। MS वर्ड का एक फीचर है, बहुत ही पावरफुल फीचर है, मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, ये डिस्क्रिप्टिव में आता है, ये नोट कर लेना। डिस्क्रिप्टिव में मेल मर्ज क्या होता है, इसके क्या फीचर है, इसको करने के क्या स्टेप्स हैं, कैसे इसको परफॉर्म कराएंगे MS वर्ड में, तो ये ज़रूर 5 नंबर में आता है, तो ध्यान देना। इंपॉर्टेंट इस तरह भी यहाँ भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा मेल मर्ज होगा। एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विथ अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेल मर्ज। मेल मर्ज थ्रू आप एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑटोमेटिक फीड हो जाता है। यानी आप एक लेटर बनाइए और कॉन्टैक्ट आपने बना रखा है टेबल में, उस टेबल के थ्रू आप लेटर बना सकते हैं, मतलब उसमें नेम एड्रेस ऑटोमेटिक टू और फ्रॉम में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो मेल मर्ज होगा। मेल मर्ज वो किस नंबर पर है, ई नंबर। तो 4.2 का जो होगा होगा मेल, चलो अगला, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस, इसको रिप्लेस करता है शॉर्ट रिपीटेटिव। ठीक, तो 4.3 का जो होगा, ये बताते हैं कैसे, 4.3 का जो होगा वो एम होगा, शॉर्ट रिपीटेटिव। ठीक, ऑटो करेक्ट में होता क्या है, जैसे आप कोई नाम लिखना है तो बाइंडी ट्यूब लिखना है, ये कोई डॉक्यूमेंट आप टाइप कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें बाइंडी ट्यूब बार बार आ रहा है, बाइंडी ट्यूब बार बार टाइप करोगे, इससे अच्छा ऑटोकैड में एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप सॉल्ट बीटी ट्यूब ऐड कर सकते हैं। बीटी इक्वल टू बाइंडी ट्यूब कर दोगे, अगर उसमें जाकर सेटिंग में होता है वो, तो जैसे ही बीटी टाइप करोगे स्पेस मारोगे बाइंडी ट्यूब ऑटोमेटिक लिख देगा। शॉर्ट रिपीटेटिव, आप जो बार बार रिपीटेटिव हो रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऑटोकैड के माध्यम से ऐड कर सकते हैं,
बार बार जो रिपीट हो रहा है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसका एक शॉर्ट नेम लिखेंगे वो ऑटोमेटिक वो पूरा फुल लिख देगा। जैसे रविचंद्र अश्विन आरवी दाब के अगर सेट किया आरवी इक्वल टू रविचंद्र अश्विन, तो जैसे ही आरवी दाब की स्पेस मारेंगे रविचंद्र अश्विन ऑटोमेटिक लिख देगा। ठीक, चलो अगला क्या है, द की F12 ओपन। F12 से होता क्या है, बहुत ही सरल है, सेव एज होता है। 4.4 का क्या होगा, चलो सेव एज वो कहाँ पे है, डी नंबर पे। 4.4 का डी सेव एज। अगला बी यूज टू क्विक एक्सेस का कमांड, यूज कमांड है इसके थ्रू आप किसी भी कमांड का टूल का तुरंत यूज कर लेते हो। जाहिर सी बात है टूल बार के थ्रू, इसमें जो आंसर होगा टूल बार किसमें, जी नंबर पे। तो 4.5 का जी टूल बार। ठीक, बहुत सरल था, पूछ रहा है किसके माध्यम से आप कॉमनली मतलब कमांड और टूल का तुरंत यूज करते हो, टूल बार। देखते हो सब टूल बार बने होते हैं, आप फाइल में जाके भी सेव कर सको, लेकिन सेव सेव का बटन बना होता है, तो टूल बार ही है, तुरंत यूज कर लिया। अगला क्या है, फंक्शन डिस्प्ले रो डेटा इन कॉलम, कॉलम डेटा इन रो। इस फंक्शन, ये एक्सेल का क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये एक्सेल क्वेश्चन। एक्सेल में एक कमांड जो है ट्रांसपोज, देखो ट्रांसपोज कहीं लिखा होगा, सी नंबर ट्रांसपोज लिखा, यही इसका आंसर होगा। ट्रांसपोज करता है कॉलम को रो कॉलम को, कॉलम डेटा को रो डेटा में, रो डेटा को कॉलम डेटा में चेंज कर देता है। और जो आंसर होगा 4.6 का सी, 4.6 का सी ट्रांसपोज। ठीक, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कर बताइएगा। अगला, व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू वर्ल्ड डॉक्यूमेंट, जब किसी एक्सेल फाइल को वर्ल्ड में रखते हो तो क्या होगा, का जो आंसर हो प्लेस्ड इन अ वर्ल्ड टेबल। नहीं, एक्सेल का जो टेबल है, मतलब एक्सेल में टेबल में है, कुछ आपने कॉपी कर लिया पूरा, मान लो मार्कशीट बनाया, मार्कशीट कॉपी किया, टेबल में है, रो एंड कॉलम में, जैसे ही उसको पेस्ट करोगे तो वो क्या होगा, वर्ल्ड के टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वहाँ भी वो टेबल के फॉर्म में ही आएगा। उसका जो आंसर होगा वो प्लेस्ड इन अ वर्ल्ड टेबल, यानी आई होगा वो 4.7 का आई, प्लेस्ड इन अ वर्ल्ड टेबल। ठीक, अगला क्या है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। लैंडस्केप बहुत ही सरल, ये भी एमएस वर्ड नोटपैड सब में रहता है, इसको क्या बोलते हैं, पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं। पेज ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन होते हैं, पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब पेज खड़ा, लैंडस्केप मतलब पेज बेड़ा। तो जो बाय डिफॉल्ट जो होता है पेज हमारा वो पोर्ट्रेट होता है, खड़ा होता है। ठीक, तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप और पेज ओरिएंटेशन, देखो कहाँ पर है, एल पे है, तो 4.8 का एल पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन। अगला देखो 4.9, शुड बी यूज्ड इफ यू वांट द ऑल साइड इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक। आप चाहते हैं प्रेजेंटेशन के सारे स्लाइड, ये पावर पॉइंट क्वेश्चन है, सारे स्लाइड एक जैसे दिखे, या उसका बैकग्राउंड, उसका जो डिजाइन है एक जैसे हो, उसका जो आंसर होगा वो होगा आप प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। ठीक, उसका यूज करोगे तो जो भी स्लाइड होंगे उसका बैकग्राउंड कलर या उसके इफेक्ट जो होंगे एक जैसे सारे में होंगे। इसका जो आंसर होगा वो 4.9 होगा, 4.9 का जो होगा प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। ठीक, चलो 4.10 का देखो क्या होगा, 4.10 टू प्रीव्यू अ मोशन पाथ इफेक्ट यूजिंग द कस्टम टास्क इन यू शुड क्लिक ऑन। मोशन पाथ क्या है, एनिमेशन का टाइप है, टूल एनिमेशन का मोशन पाथ, जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर नीचे एनिमेट करा सकते हो, मूव करा सकते हो। तो वही पूछ रहा है इस इफेक्ट का यूज करने के लिए आप क्या क्लिक करोगे, तो आप क्लिक करोगे प्रीव्यू करना है ना, तो आप किस पे क्लिक करोगे,
इफेक्ट पर, तो आप कहाँ क्लिक करोगे, सो इफेक्ट, सॉरी सो इफेक्ट नहीं, आप मिस क्लिक ऑन बटन पूछ रहा है, कमांड नहीं पूछ रहा है, इसमें जो सॉरी आंसर जो होगा 4.10 का जो होगा आंसर वो आपका होगा प्ले बटन, 4.10 का जो होगा एफ होगा, 4.10 का जो होगा एफ होगा प्ले बटन। ठीक, ये दोनों ही पावर पॉइंट क्वेश्चन थे, तो कोई दिक्कत हो तो इसमें नोट भी कर लेना, 4.1 का के, 4.2 का ई, 4.3 का एम, 4.4 का डी, 4.5 का जी, 4.6 का सी, 4.7 का आई, 4.8 का एल, 4.9 का एच, 4.10 का एफ। ठीक, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉब्लम मिटा देते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में आ गए हमारे कुछ कुछ 10 क्वेश्चन हमारे सामने कुछ और आ गए। पहला 4.1 का क्या लिखा है, अ वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग अ पासवर्ड, तो पासवर्ड कहीं होगा 4.1 का जे, 4.1 का ए पासवर्ड, किसी वर्कशीट को प्रोटेक्ट किससे करते हो, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसमें होता ही फीचर है होम टैब में। इफ यू एंटर 12+20, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ यू एंटर 12+24 इन एक्सेल इट विल डिस्प्ले द रिजल्ट, अगर आप 12+24 ऐसे करके हो तो वो ऐसे ही दिखेगा, यानी अगर आप 4.2 का जो आंसर होगा एम 12+24 जोड़ेगा नहीं, ये ध्यान देना एड नहीं होगा, अगर इसके आगे इक्वल टू ये दिया होता तो आंसर आपको बदल जाता, अब आंसर क्या हो जाता 4, 2, 6, 36 हो जाता, लेकिन ये नहीं लगा है इसलिए तो अगर ऐसे लिखते हो तो एक्सेल के रो में भी ऐसे ही दिखेगा। ठीक, 12+24 इसका जो आंसर ये यानी ऐड नहीं होगा, अगर इक्वल टू लग जाता तो ऐड हो जाता, इसका जो आंसर होगा एम होगा। ठीक, 12+24। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते रहना। ठीक, अगला क्या है, द डैश 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 कमांड यूज द सेलेक्ट ग्राफिक एंड पुट इट ऑन क्लिप बोर्ड, किस कमांड से कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड इसमें कुछ ऊपर है नीचे करते हैं। ठीक, यहाँ पूछ रहा है किस कमांड थ्रू आप किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करते हो, वो कट करने पे क्लिप बोर्ड में चला जाता है, मैंने क्लिप बोर्ड बताया ही था, जब भी कोई चीज़ कट या कॉपी करते कहाँ जाता है क्लिप बोर्ड में जाता है, यहाँ कमांड पूछ रहा है कट का, तो कट कमांड का शॉर्टकट जो होता है वो कंट्रोल एक्स होता है, कॉपी का कंट्रोल सी होता है और पेस्ट का कंट्रोल वी होता है, तो यहाँ जो आंसर होगा कट के बारे में पूछ रहा है तो 4.3 का ए होगा कट, कंट्रोल प्लस ए, 4.3 का ए होगा कंट्रोल प्लस एक्स। चलो अगला, द कैरेक्टर दैट फिल्स द स्पेस अप टू द नेक्स्ट टैब स्टेप इज कॉल्ड द कोड वर्ड, 4.4 का बी होगा, 4.4 का बी होगा। मतलब समझते हैं क्या कह रहा है, द कैरेक्टर दैट फिल द स्पेस टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप, जब हम कोई टैब मारते हैं उस टैब के बीच में आपको नहीं दिखता है क्या है, लेकिन उसके बीच में कुछ कैरेक्टर होते हैं, हिडन कैरेक्टर होते हैं, उस हिडन कैरेक्टर को यहाँ पे कोड वर्ड से परिभाषित किया गया है, तो यहाँ पे जो आंसर हो कोड वर्ड, क्योंकि दिखते नहीं लेकिन असल में वहाँ कैरेक्टर होते हैं, उस कैरेक्टर की जो कोडिंग हुई रहती है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा द कैरेक्टर दैट फिल द स्पेस, जब आप कोई जैसे आपने यहाँ से यहाँ ये यहाँ से यहाँ टैब मारा, आप यहाँ लिखा तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो ये कोड वर्ड में लिखा है, तो इसका आंसर जो होगा कोड वर्ड होगा, तो 4.4 का जो बी होगा वो बी होगा, यानी जब भी आप टैब मारते हैं तो टैब के बीच में जो कैरेक्टर फिल हुआ होता है उस कैरेक्टर को कोड वर्ड बोलते हैं। अगला, इट इज़ अ नेम फॉन्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप अगर आपने एम एस वर्ड चलाया होगा तो बाई डिफॉल्ट देखो फॉन्ट का नेम क्या लगाता है, कैलिबरी लगा होता है, उसमें देखो कैलिबरी कहीं है, हाँ है आई,
नहीं, 4.5 का आई डिलीवरी। डिलीवरी क्या है? एक फॉन्ट है, यानी फॉन्ट का नाम है। अगला, इज द डॉक्यूमेंट इक्विवेलेंट ऑफ 10100। ये किसका है? नंबर सिस्टम का है। तो इसको निकाल लेते हैं। मालूम है दो ही वैल्यू दी है, 55 और 36, दो में से एक आंसर है। 55 निकालो जल्दी से। 55 दो दूना चार, 200 तो 14, एक कम दो, दो तीन छः, दो छंग 12, ये नहीं होगा, गलत होगा, क्योंकि 1 1 आ रहा है, वहाँ 1 1 कहीं पे भी नहीं है, तो इसको कैंसिल करते हैं। यानी क्या होगा आंसर? 36 हो। 36 को निकाल लेते हैं। रकम दो तीन छः, दो छंग 12, दो तीन छः 0, रकम दो, रकम दो एक, 1 1 0 1 0, 1 0 आया। था 1000। ठीक, इसका जो आंसर होगा वो 36 होगा। 4.6 का 36 है, ठीक है, 36। करो अगला। अगला क्या? व्यू अलाउ यू टू वर्क एंड इंडिविजुअल साइड ने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स कौन सा व्यू है जो क्या करता है? वर्क ऑन इंडिविजुअल स्लाइड इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसमें से जो व्यू होगा वो स्लाइड व्यू होगा। स्लाइड व्यू तो एक होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, जिसमें सारी स्लाइड एक साथ दिखती है। एक होता है प्रेजेंटेशन व्यू, जिसमें एक स्लाइड पूरी फुल स्क्रीन पे दिखती है। स्लाइड शो का जो शॉर्टकट होता है वो F5 होता है, नोट कर लेना। और अलग अलग स्लाइड देखना है, एक समय पर एक स्लाइड दिखे, उसका जो आंसर होगा वो स्लाइड व्यू होगा। तो इसका जो आंसर होगा 4.7 का वो होगा जी, स्लाइड व्यू। ठीक है, अगला 4.8। इट इज अ गैलरी ऑफ रेडीमेड ग्राफिक्स विद अवेलेबल इन अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, एक ऐसी गैलरी जहाँ पे बने बनाए ग्राफिक्स रखे होते हैं, वो क्या होता है? क्लिप आर्ट होता है। देखो क्लिप आर्ट कहीं होगा जी। 4.8 का जी आर्ट। 4.9, इट इज अ प्रोग्राम दैट टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज मशीन। एकदम सरल कंपाइलर होगा। कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है? दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्टिव भी आता है, फिर बोल रहा हूँ। कंपाइलर इंटरप्रेटर सिंपलर में क्या आंसर है? ये लिखने को आता है। तीनों ही ट्रांसलेटर है। कंपाइलर इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, और जो सिंपलर होता है सिंपल लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो इसमें जो कंपाइलर है किस नंबर? एल नंबर। एल नंबर पे तो 4.9 का एल कंपाइलर। 4.10 का क्या होगा? एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड एज डेटाबेस। ठीक, डेटा को सही तरीके से रखने के लिए लोग डेटाबेस का यूज़ करते हैं, और लार्ज अमाउंट में डेटा को सही से कैटेगराइज में रखना है ताकि आराम से क्वेरी कर लें, तो डेटाबेस को यूज करेंगे। तो आंसर 4.10 का, 4.10 का डेटा बेस। देखो कहाँ पे है? के नंबर। तो यहाँ जो होगा डेटा बेस। ठीक, तो ये हो गया हमारे दूसरा दूसरा हमारा सीरीज, जिसमें 4.1 का जे, 4.2 का एम, 4.3 का ए, 4.5 का बी, 4.5 का आई, 4.6 का ई, 4.7 का जी, 4.8 का सी, 4.9 का एल, 4.10 का के। चलो डेटाबेस लास्ट वाला डेटाबेस होगा। चलो अब इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो चलते हैं, जल्दी इसको मिटाते हैं। चलो अगला। इट इज एन इंटरनल फोरम फॉर डिस्कशन ऑन अ रेंज ऑफ टॉपिक्स लाइक आर्ट फॉलो अप मैसेज रिलेटेड टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक, तो इंटरनल फोरम जहाँ पर डिस्कशन होता है, टॉपिक के बारे में बातचीत चलती है, आर्टिकल के बारे में बातचीत चलती है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे बातचीत चलती है, ऐसे
को या ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं न्यूज़ ग्रुप। 4.1 का होगा सी, न्यूज़ ग्रुप सी होगा, न्यूज़ ग्रुप। ठीक, यहाँ पे आप इंटरनल किसी मुद्दे पे बातचीत कर सकते हैं। अ इज एन एंड पॉइंट ऑफ ब्रांच इन द नेटवर्क, क्या पूछ रहा है? इज एन एंड पॉइंट ऑफ ब्रांच नेटवर्क का जो आंसर होगा वो प्लग एंड प्ले नहीं होगा, ऑटोकैड मास्टर पोर्टेंट का फिक्सर का जो आंसर होगा क्या पूछा है, फिर पढ़ते हैं। इज एंड पॉइंट ऑफ नेटवर्क, तो कंप्यूटर में जब कोई चीज, जब एक कंप्यूटर जब हम नेटवर्किंग करते हैं, एक तार मान लो यहाँ से जोड़ा, हाँ से फिक गया, एंड पॉइंट ये रहा, ये एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट, इसको बोलते हैं नोड। ठीक, नेटवर्किंग में जब कंप्यूटर जो होता है उस कंप्यूटर को नोड बोलते हैं। तो जो आंसर होगा 4.2 का जो होगा वो होगा नोड, और नोड देखो कहीं है जी पे है, तो 4.2 का जी नोड। ठीक, अगला 4.3, यू विल यूज टू असाइन अ नेम टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ डॉक्यूमेंट। यू विल यूज टू असाइन अ नेम टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ डॉक्यूमेंट, देखो आंसर पिक्सल नहीं, काउंट नहीं, नोड नहीं, टू असाइन नेम टू स्पेसिफिक पॉइंट इन अ डॉक्यूमेंट। का जो आंसर होगा यू विल यूज बुकमार्क, बुकमार्क। ठीक, एमएस वर्ड में एक बुकमार्क पढ़ा होगा आपने, बुकमार्क क्या करता है? ठीक, जैसे हम यहाँ पे हैं, हमने यह मार्क लगा दिया बीसी, जब भी बीसी बुकमार्क जाएंगे, बीसी पे गो टू करेंगे तो हम कहीं भी रहेंगे यहाँ आ जाएंगे। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा बीसी बुक मार्क होगा। तो यू विल यूज टू असाइन नेम स्पेसिफिक पॉइंट, किसी स्पेसिफिक जगह पे उसका नेमिंग करके फिर वहाँ पे जाने के लिए हम लोग बुक मार्क का यूज करते हैं। तो 4.3 का जो होगा वो बुक मार्क होगा, बुक मार्क किस नंबर पे है, जे नंबर। 4.3 का जो होगा ये होगा बुक। ठीक, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा समय मिल जाए आप समझने के लिए, क्योंकि मैं तुरंत पढ़ तुरंत बोल दे रहा हूँ, तो आप पढ़ के बोर्ड पे जब मैं लिख रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं किसकी बात हो रही है। अ फाइल कंटेनिंग रिलेटिवली परमानेंट डेटा इज नोन एज, फाइल रिलेटिवली परमानेंट डेटा, उसको हम, उस फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर फाइल बोलते हैं। मास्टर डेटा होता है ना जहाँ पे हर चीज़ परमानेंट और सेव होती है, उसी तरह यू विल फाइल कंटेन रिलेटिव परमानेंट डेटा, तो वो फाइल कैसी होगी, मास्टर फाइल होगी। तो 4.4 का जो होगा वो ई होगा, 4.4 का जो होगा ई होगा मास्टर फाइल। चलो 4.5 देखते हैं, इट इज अ सेट ऑफ हार्डवेयर स्टैंडर्ड फॉर द कंप्यूटर मैन्युफैक्चर टू अलाउ फॉर बेटर कंपैरिटी बिटवीन कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, जहाँ पे कंपेटिबिलिटी बिटवीन कंप्यूटर, मतलब ऐसा फीचर जो कंपेटिबल, जैसे ये चीज़ इस पर नहीं खुलेगी, वो चीज़ उस पर नहीं खुलेगी। लेकिन आजकल देखते हो कोई भी चीज़ किसी खुल जा रही, क्यों? क्योंकि जो आजकल डिवाइस होते हैं या उसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्लग एंड प्ले बेस्ड होते हैं, वो यहीं प्लग एंड प्ले लिखा होगा एल है ना। तो 4.6 से 4.5 का जो होगा वो एल होगा। प्लग एंड प्ले, ठीक, तो प्लग एंड प्ले के माध्यम से क्या होगा, कंपेटिबिलिटी जो होती है वो हमें बेटर प्रोवाइड होती है ना। पेन ड्राइव है वो यूएसबी में लगता है, तो कार में लगा दो, डीवीडी में लगा दो, टीवी में लगा दो, कंप्यूटर में चाहे जहाँ लगा दो, क्योंकि वो कैसा डिवाइस है, प्लग एंड प्ले बेस्ड है, इससे कंपेटिबिलिटी मिलती है। अगला 4.6, द
Dot dash dash is the smallest dot that can print on a screen on a or in a plain traffic. ये डिजिटल इमेज की बात करें, डिजिटल इमेज किससे बनती है? पिक्सल से मिलके बनी होती है. डिजिटल इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल. जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे इमेज उतनी हाई क्वालिटी होगी. तो पिक्सल क्या होती है? किसी भी डिजिटल इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. इसका जो आंसर होगा 4.6 का पिक्सल. देखो कहीं होगा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, दिख रहा है तुम लोग, आप लोगों को तो दिख नहीं रहा. हाँ ए दिख रहा है. 4.6 का जो होगा वो होगा ए पिक्सल. ठीक. 4.7 यूजिंग यू कैन यूज समराइज डेटा इन अ लिस्ट. ये एक्सेल का क्वेश्चन है, इसके थ्रू आप डेटा को समराइज कर सकते हैं. तो आपने अगर एक्सेल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अगर हमारा लेक्चर है उसमें मिल जाएगा आपको, वो भी वो क्या कहते हैं हाइड वो पेड लेक्चर है, तो शायद आपको ना मिले. जिन्होंने लिया है उनके लिए बता रहा हूँ. तो मैंने पाइवोट टेबल बताया, तो पाइवोट टेबल जो होता है वो किसी भी टेबल को या किसी भी जो हमने बनाया है प्रोजेक्ट उसको समराइज किया जाता है. समराइज मतलब आप आपके टेबल में नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये है. हमें नेम मोबाइल देखना है तो आप नेम मोबाइल देख सकते हो, यानी समराइज कर सकते हो. तो 4.7 का जो होगा वो पाइवोट टेबल होगा. तो 4.7 का एम पाइवोट टेबल. 4.8 देखते हैं. सेलेक्टिंग चेंज द पेज फ्रॉम टॉल टू वाइड ओरिएंटेड. इसके थ्रू ये वही पुराना क्वेश्चन है. इसके थ्रू टॉल और वाइड सब चेंज कर देने, पोर्ट्रेट लैंडस्केप करते हैं, पेज ओरिएंटेशन देखो कहीं ना कहीं होगा ओरिएंटेशन. और पढ़ते हैं क्वेश्चन फिर से. सेलेक्टिंग चेंजेस फ्रॉम पेज टेबल टू वाइड, खड़े से बेड़े में करने के लिए पूछ रहा है. तो मैंने बताया पोर्ट्रेट मतलब खड़ा, लैंडस्केप मतलब बेड़ा. लैंडस्केप जो होगा एफ नंबर पे है. तो 4.8 का एफ होगा लैंडस्केप. ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही मतलब उलझाऊ मतलब घुमा के पूछते हैं. देख लो हमें भी बार बार पढ़ना पड़ रहा है. तो क्वेश्चन आप जब सॉल्व करिए तो पहले पूरा ध्यान से पढ़ के तब आंसर सर्च करिएगा. तो 4.9 का क्या है? इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. मैंने बार बार बताया है, लेक्चर में बताया है, जो हमारा माउस होता है वो आपका इनपुट डिवाइस के साथ साथ पॉइंट डिवाइस. माउस दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग माउस और डिजिटल माउस और इलेक्ट्रिक माउस, जिसको ऑप्टिकल माउस भी बोला जाता है. तो 4.9 का जो होगा माउस होगा, माउस जो कहाँ पे है, बी पे है. तो 4.9 का जो होगा बी होगा माउस. 4.10 विल कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अप्लाई टू अनदर. यहाँ पे जो कॉपी होती है, एमएस वर्ल्ड की बात कर रहा है, एमएस वर्ल्ड फीचर होता है, तो किसी टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता. उस टेक्स्ट पे जो फॉर्मेटिंग यानी उसका कलर, उसकी डिजाइन मतलब उसका बोर्ड का फॉन्ट स्टाइल, ये सारी चीज़ उठाता है और दूसरे वाले भी मतलब नॉर्मल टेक्स्ट पे जाके पेस्ट कर रहे, यानी वो टेक्स्ट नहीं जाता, उसके ऊपर जो हमने सजाया हुआ है वो जाता है. उसका जो आंसर होगा, तब जो ये ऑप्शन होता है एमएस वर्ड में, वो आप एक फॉर्मेट पेंटर नाम से होता है. देखो फॉर्मेट पेंटर यहाँ भी होगा, इसमें फॉर्मेट पेंटर कहाँ है, 4.10 का के फॉर्मेट पेंटर. तो 4.10 का क्या होगा, फॉर्मेट प्रिंटर पेंटर. ठीक, तो ये क्वेश्चन आप एक बार रोक के देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर बताइए 8318119800. ठीक, ये लिखा हुआ है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं. चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सेट. अगला सेट कहाँ है? चलो सेट में बात हो रही है. कमांड इज यूज टू रिमूव फाइल इन द यूनिक्स लिनक्स. लिनक्स यूनिक्स में किस कमांड के थ्रू आप रिमूव करते हो? तो
कमांड होता है आरएम। जैसे आप कोई फोल्डर डिलीट करना होता है एमएस विंडोज में, राइट क्लिक डिलीट, नहीं कीबोर्ड पर डिलीट बटन। लेकिन लिनक्स में ऐसे नहीं होता, लिनक्स यूनिक्स में आपको कमांड लिखना पड़ता है। जो कमांड होता है वो आरएम होता है, आरएम मतलब रिमूव। तो 4.1 का रिमूव किस पे है, ई पे है, 4.1 का ई आर। 4.2 सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ, इससे कनेक्ट होते हैं क्लाइंट से। सर्वर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्स टू कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ, सर्वर्स आर कंप्यूटर्स, सर्वर्स कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर, अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। हाँ नेटवर्क होगा, यानी सर्वर्स कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर। ठीक, सर्वर क्लाइंट दो होते हैं, तो अदर कंप्यूटर मतलब क्लाइंट की बात कर रहा है। जब भी सर्वर के थ्रू किसी और कंप्यूटर में डेटा या कोई चीज़ भेजा जाता है तो उसके लिए क्या करनी पड़ती है, नेटवर्किंग करनी पड़ती है। सर्वर से क्लाइंट, सर्वर कहीं और है, क्लाइंट कहीं और है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है, नेटवर्क कनेक्ट है। इसका जो आंसर होगा 4.2 का वो होगा सी, नेटवर्क। ठीक है, देख रहे हो ना कैसे उलझा उलझा क्वेश्चन है, ले कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखना। 4.3 द इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, पल है हार्ड डिस्क दिख रहा है, हार्ड डिस्क सभी पर है। हार्ड डिस्क प्राइमरी कौन है, रैम और रोम। रैम दो प्रकार के, स्टैटिक डायनेमिक, रोम तीन, रोम चार प्रकार के। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सी डी वी डी, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। इसका जो आंसर होगा 4.3 का हार्ड डिस्क, 4.3 का डी। कंप्यूटर्स यूज द लैंग्वेज टू प्रोसेस डेटा, तो किस लैंग्वेज का यूज करता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए, बाइनरी लैंग्वेज का। तो देखो बाइनरी कहने का ओके, बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज ही बोला जाता है। तो 4.4 का जो होगा वो के होगा, बाइनरी। वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड यूजिंग अ पासवर्ड, पहले भी आया था। 4.5 का जो होगा पासवर्ड किस नंबर पे है, जे नंबर। 4.6 में क्या पूछ रहा है, कट कमांड इज कंट्रोल प्लस एक्स, बस इजी है। 4 पे देख रहा हूँ ना रिपीट कितनी बार हो रहा है, 4.6 का ए कंट्रोल प्लस एक्स। अगला क्या है, 7 का द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज फाइल्स फ्रॉम अ क्रिमिनल्स कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट इन्फोर्समेंट स्पेशली कॉल्ड साइबर फोरेंसिक। साइबर फोरेंसिक क्या होता है, डेटा हाइड करना, डेटा निकालना, ये सब का काम होता है। बहुत सरल है। 4.7 का जी, साइबर फोरेंसिक। 4.8 आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू। 4.8 का सीपीयू जो किस नंबर पे है, 3 नंबर पे। 4.9 नीचे होगा, रिलेशनल डेटाबेस कंटेन्स, रिलेशनल डेटाबेस कंटेन्स क्या कंटेन करता है भाई, टेबल एंड क्वेरी। डेटाबेस में क्या होता है, टेबल के फॉर्म में डेटा भरे होते हैं, फिर क्वेरी होती है, क्वेरी मतलब पूछता जो आपको चाहिए उस टेबल में से काट कर या फिल्टर होके आपके सामने आ जाता है। ठीक, तो 4.9 का जो होगा वो एम होगा, टेबल एंड क्वेरी। 4.10 का क्या है भाई, इज इज द नेम ऑफ द फॉन्ट, बहुत सारा जो पिछले भी आया था कैलिब्री। तो 4.10 का जो होगा, 4.10 का क्या होगा,
4.10 का कैलिब्री कहाँ पे है? एफ पे। 4.10 का जो होगा वो एफ होगा, कैलिब्री। ठीक, चलो। तो कैलिब्री क्या है, फॉन्ट का नहीं, मैं पिछली बार ही बताया था। अगला को देखते हैं, अगला सेट तो जल्दी से मिटाते हैं। वन के बी इक्वल टू का जो आंसर होगा, 1 KB बराबर 1024 बाइट। तो छोटा बिट होता है जिसमें 0 और 1 होता है, बिट को बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। उससे बड़ा निबल होता है, एक निबल में 4 बिट होते हैं, उससे बड़ा सॉरी बाइट होता है, उससे बड़ा निबल से बड़ा बाइट होता है। 1 बाइट बराबर 8 बिट, जिसको 1 कैरेक्टर ही बोलते हैं। ठीक, उसके बराबर किलो बाइट, 1 मेगा बाइट। तो 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। तो 4.1 का जो होगा वो आपका 1000 के पे, 4.1 का ये। अगला, इट इज अ बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइस, में से कौन इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका जो आंसर होगा वो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो। हार्ड डिस्क ड्राइव में इनपुट आउटपुट, क्योंकि हार्ड डिस्क में क्या लगा होता है, रीड एंड राइट मैग्नेटिक डिवाइस लगा होता है, यानी आप उसमें कोई चीज़ डालते भी हैं निकालते भी हैं। तो जो हार्ड डिस्क है जो आपका, वो इनपुट आउटपुट दोनों में आएगा। वैसे तो वो मेमोरी है, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है ये उलझाने के लिए, समझने के लिए। इसमें जो समझने की बात ये है कि हार्ड डिस्क ऐसा इसमें ऑप्शन है जहाँ पर ये शो हो रहा है कि रीड और राइट दोनों, मतलब रीड और राइट दोनों, यानी इनपुट आउटपुट दोनों है। तो 4.2 का जो होगा वो रीड और राइट दोनों है। 4.2 का जो हार्ड डिस्क होगा, हार्ड डिस्क किस नंबर पे मुझे लिखेगा बताना, तो एच, 4.2 का एच हार्ड। अगला 4.3, इन है ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल डिवाइस, एंड्रॉयड। 4.3 का एंड्रॉयड, एंड्रॉयड किस नंबर पे, एल नंबर पे। अगला 4.4, इट इज अ प्राइमरी मेमोरी, रैम, रैम और रोम। तो रैम देखो किस नंबर पे होगा, है हमारा एम नंबर, 4.4 का। रैम 4.5, इज द नेम ऑफ द फोन, कैलिब्री कहीं होगा, कैलिब्री है नहीं, कैलिब्री ओ कैलिब्री नहीं। यहाँ पे, यहाँ देखो एक नया फोन का नेम देखे, ऐसे देखो घुमा के पूछता है एरियल, यहाँ पे जो आंसर होगा वो एरियल होगा। तो 4.5 का क्या होगा, एरियल। फोर पॉइंट सिक्स, अ बिग स्टोर हाउस ऑफ डेटा यूज फॉर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर, क्या लिखा है, फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स बेस्ड ऑन डेटा स्टोर इज नोन एज अ बिग स्टोर। तो बिग स्टोर ऑफ डेटा एंड बेस्ड ऑन डेटा स्टोर, तो डेटा जो बहुत बड़ा ज़्यादा डेटा है वो कहाँ होता है, वेयर हाउस में होगा। तो उस वेयर हाउस क्या बोलते हैं, डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। में जो आंसर होगा 4.6 का वो डी होगा, डेटा वेयर हाउस। अगला 4.7, क्लाउड शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन स्मार्ट नेटवर्क। तो कौन सा नेटवर्क जो छोटी दूरी पे शेयरिंग करने काम आता है, तो लैन, जो लैन होता है वो कम दूरी का नेटवर्क होता है। किसी बिल्डिंग, किसी घर, किसी कॉलेज, किसी कैंपस तक में जो नेटवर्क सीमित होते हैं उसको हम लोग लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। उससे बड़ा मैन होता है मेट्रोपॉलिटन, किसी सिटी, सिटी किसी गांव, किसी शहर, किसी ब्लॉक तक में सीमित होता है, उसे मैन बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ लैन इज कॉल्ड मैन, कई सारे लैंड मिलकर जो अपना एरिया बड़ा कर लेते हैं उसको मैन बोलते हैं। और किसी शहर, किसी देश, किसी राज्य को जो नेटवर्क आपस में जोड़ता है वो तो वैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, तो यहाँ जो आंसर होगा लैन होगा 4.7 का, आई लैन।
4.8 देखते हैं। रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेज टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ मूवमेंट, ठीक, किसी इमेज में लगातार चेंजेस हो, चेंजेस होने पे हमें वो मूवमेंट दिखाई दे, तो ऐसे मूवमेंट वाली इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमेशन बोलते हैं। तो एनिमेशन देखो कहीं ना कहीं होगा सी, तो 4.8 का सी एनिमेशन, 4.9 प्रोग्राम टू ट्रांसलेट असेंबली लेवल लैंग्वेज मशीन, बताया अभी जिस जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करता है उसको असेंबलर बोला जाता है। तो ये एफ नंबर पे 4.9 का एफ असेंबलर, 4.10 इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर, इट इज अ मीडियम, तो मीडियम क्या होगा, केबल, 4.10 का केबल के माध्यम से दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन किया जाता है ना, दो कंप्यूटर अगर अपन जोड़ोगे कैसे जोड़ोगे, नेटवर्किंग कैसे करोगे, या वायरलेस करोगे या केबल के माध्यम से करोगे, केबल इसमें दिख रहा है, तो 4.10 का जो होगा वो जे होगा केबल, ठीक। ये हमारा एक सेट और कंप्लीट होता है। कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेट पर। अगला सेट देखते हैं, ये रहा अगला सेट, अ स्ट्रिंग ऑफ 8 बिट इज, ठीक, सिंपल मैंने भी बताया था एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो बाइट दो कहीं होगा, बाइट कहीं दिख रहा है, हो रहा है 4.1 का e बाइट, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। अगला, बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज, ऑक्टल का बताया था 8 होता है, 4.2 का जो होगा 8, ठीक, ऑक्टल का 8 हेक्साडेसिमल, 16 बाइनरी का 2, देखो हेक्साडेसिमल एक चौराहा ध्यान देना, 0 से 9 तो नंबर रहता है, 10 होता है तो ए हो जाता है, 11 होता है बी, 12 होता है सी, 12 होता है सी, 13 होता है डी, 14 होता है ई, 15 होता है एफ, ठीक, ये ध्यान देना। अगला क्या है, 4.3 क्या है, फाइल कंटेनिंग रिलेटिवली परमानेंट डेटा इज नोन एज मास्टर, तो मास्टर होगा 4.3, ये पिछली बार भी आया था। अगला 4.4, 1 GB इक्वलेंट टू 1024 MB, 4.4 का ए, 4.4 का ए 24, 4.5 प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट गोइंग पास्ट राइट मूवमेंट, फिर से पढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट गोइंग पास्ट राइट मार्जिंग टू नेक्स्ट लाइन इज टर्म्ड एज वर्ड रैप, वर्ड रैप होगा, सही है। तो 4.5 का जो होगा वो होगा एच, वर्ड रैप, ठीक, भाई हम तो समझ लो, प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट गोइंग पास्ट राइट, जबकि राइट साइड जैसे हम कुछ टाइप कर रहे हैं, मान लो ये हमारा पेज है, तो ये हम टाइप करते चलेगा, चलता जाए तो ये इसको पास्ट मतलब इसके आगे बढ़ता चला जाएगा, नीचे तब तक नहीं आएगा जब तक इंटर ना मारे। वर्ड रैप क्या करता है, जैसे ही वर्ड रैप पे क्लिक करोगे तो यहाँ से लाइन ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगी, मैटर ऐसे लिखेगा, ठीक, वही उसकी बात हो रहा है। तो वर्ड रैप ने कहा था कि वर्ड रैप अगर लगा हुआ है वर्ड रैप में टूटना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो टूट जाएगा, जैसे ही राइट साइड जाएगा वहीं से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगला देखते हैं 4.6 का क्या होगा, सिंबल 0 एंड 1 रिप्रेजेंट, 0 एंड 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका स्टेट कलर होता है बाइनरी का, तो सिंबल 0 एंड 1 रिप्रेजेंट क्या करते हैं, बाइनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4.6 का जो होगा बाइनरी कहाँ पे है, जी नंबर पे, 4.6 का जो होगा जी, 4.7 क्या होगा, इफ़ यू इंटर 30 तो वैसे ही 4.7 का जो पिछले भी आया था
22 प्लस 28 या 4.8 का क्या होगा? सेव एट अबास इज ओपन प्रेसिंग F12। F12 वो कहाँ पे है? कल तुम्हारा है B पे, 4.8 का B F12। 4.9 इज नोन एज प्राइमरी रैम है, रैम देखो कहाँ पे है, के में। 4.9 का, 4.9 का के, 4.10 का देखो क्या है, डी बी एम एस स्टैंड फॉर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फॉर आर डी एम एस, आर डी एम एस का फुल फॉर्म रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डी बी एम एस का डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो 4.10 का जो होगा वो सी होगा, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, ये हमारा एक सेट और कंप्लीट होता है, चलते हैं नेक्स्ट सेट पे, नेक्स्ट सेट पर। ठीक, इसको एक बार आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा सही से, कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर दीजिएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर प्रोसेस डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कार्ड, कंप्यूटर प्रोसेस डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कार्ड प्रोग्राम, प्रोग्राम कहाँ पे है, 4.1 का एच प्रोग्राम। फोर पॉइंट टू देखते हैं, प्रोग्राम ऑफ द प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लेवल लैंग्वेज कार्ड, बताया ही था कंपाइलर। तो 4.2 का डी कंपाइलर। थ्री इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल, राइट। 4.3 का एल, देख लो ना, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए। 4.4 का क्या है, द नेटवर्क इज यूज टू कनेक्टेड टू और मोर स्मॉलर नेटवर्क, नेटवर्क यूज टू कनेक्ट टू और मोर स्मॉलर एन। 4.4 का आई, फोर पॉइंट फाइव नेटवर्क अलाउ शेयरिंग कमीशन लार्ज नेटवर्क वैन, 4.5 एफ वैन। 4.6 का क्या होगा, अ फीचर इन एक्सप्लोरर अलाउ यू सेव एज वेबसाइट ऑन लिस्ट फॉर इजी एक्सेस, हम लोग कहाँ सेव करते हैं बाद में ताकि उस वेबसाइट का यूज हो सके, का जो आंसर होगा वो फेवरेट्स होगा। ब्राउजर में एक फेवरेट्स होता है, कोई वेबसाइट खोलिए समझ पसंद आ गई तो हम भूल ना जाए तो उसको कहाँ डालते हैं, फेवरेट डाल देते हैं। आंसर होगा 4.6 का, वो फेवरेट्स होगा कहाँ पे है, ए पे फेवरेट्स। 4.7 का क्या होगा, अ प्रोसेस नोन एज ट्रैक्स ट्रेंड्स अलाउ रिटेल रिस्पॉन्स कंज्यूमर बाइंग पैटर्न का जो डेटा माइनिंग होगा। 4.7 का जो होगा डेटा माइनिंग ई। 8 तो समझ लो क्या कह रहा है, फीचर इंटरफेस सिक्योर सॉरी प्रोसेस नोन एज ट्रैक ट्रेंड अलाउ रिटेलर टू रिस्पॉन्स कंज्यूमर बाइंग पैटर्न, ऐसा नहीं, इसमें क्या होता है डेटा वेयर हाउस होता है, उस वेयर हाउस में से जैसे बाइंग मतलब जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं छाटते या छाटते हैं, तो छाटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं, डेटा माइनिंग। 4.7 का जो होगा वो ई होगा, डेटा माइनिंग। 4.8 का क्या होगा, आज कंप्यूटर दैट सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो हजार से अधिक यूजर को एक साथ सपोर्ट कर सकता है या उसको मैनेज कर सकता है। तो 4.8 का जो होगा वो के होगा, मेन फ्रेम। 4.9 का क्या है, नोन है प्राइमरी रैम होगा, रैम को कहाँ पे है, ये रहा 1.9 का एम। 4.10 का क्या होगा, सरल ही होगा, डिवाइस टू माउस, माउस किस नंबर के है देख पढ़ लेना, माउस के नंबर के है दिख नहीं रहा, ई नंबर पे।
4.10 का जो होगा वो की होगा माउस। लॉक सेट देखते हैं, थोड़े मिटा लेते हैं। ये रहा हमारा अगला सेट। अगला सेट में क्या बता, द सेमी कंडक्टर मेमोरीज आर इस टाइप। जो सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है वो इंटरनल टाइप की होती है, जो हम इंटरनल मतलब रैम हो गया, रोम हो गया, कैसे मेमोरी हो गया, ये सब क्या है, इंटरनल मेमोरी। और किससे बनी होती है, सेमी कंडक्टर से बनी होती है। तो यहाँ पे 4.1 का होगा वो ए होगा इंटरनल। फोर पॉइंट टू का क्या होगा, नेम ऑफ फॉन्ट, तो कौन सा फॉन्ट यहाँ नाम शो कर रहा है, कैलिबरी। तो 4.2 का कैलिबरी बहुत बार आया है, ठीक यहाँ लेना कैलिबरी। 4.3 का क्या होगा, 4.3 ऑप्टिकल डिस्क आर यूज फॉर बैकअप। ई डी में कोई चीज़ रखते हो किसी बैकअप के लिए ना, ताकि बाद में उसका यूज कर सकें। तो 4.3 और ऑप्टिकल मतलब सी डी कैसी ड्राइव है, ऑप्टिकल। हार्ड डिस्क कैसी ड्राइव है, मैग्नेटिक। रेड ड्राइव कैसी, सेमी कंडक्टर। तो 4.3 का जो होगा वो एफ होगा बैकअप। का क्या होगा, द टेबल सॉरी द टैब यूज टू टेक यू लिस्ट फर्स्ट पेज। इस टैब पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट पेज भेजता, तो होम टैब होगा, होम है, होम 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 वो रहा। 4.4 का जो होगा होम टैब जो एम पे है, एक वेबसाइट की बात होती है, वेबसाइट पे होम पे जैसे क्लिक करोगे तो फर्स्ट पेज पे आ जाओगे। 4.5 का क्या होगा, एड्रेस ऑफ अ लोकेशन ऑफ द मेन मेमोरी कार्ड लॉजिकल एड्रेस। कंप्यूटर में कोई चीज़ जो चीज़ रखी रहती है, सी डी ड्राइव ये सब क्या है, लॉजिकल एड्रेस ना। सी ड्राइव में कोई सी नाम को तो बना नहीं, आप फिर लॉजिक के थ्रू नाम दे देते हैं कि हाँ ये सी ये डी ये ई। उस फिजिकल हार्ड डिस्क में जो आप जगह बनाए होते हैं, उस जगह एड्रेस क्या बोलते हैं, लॉजिकल बोलते हैं। तो 4.5 का जो होगा वो लॉजिकल होगा, और लॉजिकल कहाँ पे है, क्या पूछ रहा है, द एड्रेस ऑफ अ लोकेशन ऑफ द मेन मेमोरी कार्ड, द एड्रेस ऑफ अ लोकेशन ऑफ द मेन मेमोरी कार्ड लॉजिकल एड्रेस कहाँ पे लिखा, ए पे। 4.5 का ए लॉजिकल। 4.6 देखो, इट इज अ रैपिड डिस्प्ले एनिमेशन जो चेंज होती है, टर्मिनेशन कहाँ पे है, एनिमेशन तो बी पे है। तो 4.6 का क्या होगा, बी होगा एनिमेशन, ठीक है। अगला देखते हैं 4.7, द एक्सटर्नल मेमोरी सिस्टम आर एक्सेसिबल बाय द सीपीयू टू, द एक्सटर्नल मेमोरी सिस्टम एक्सेसिबल बाय सीपीयू, बाहर की मेमोरी है तो कैसे एक्सेस करते हैं उसको, इनपुट आउटपुट के माध्यम से होता है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं लगा होगा तो आप उसको नहीं एक्सेस कर सकते। तो 4.7 का जो होगा वो एच होगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। 4.8, मैग्नेटिक टेप्स आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी का जो होगा एक्सटर्नल मेमोरी। 4.9, एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड डेटाबेस। 4.9 का जो होगा वो डेटाबेस होगा, डेटाबेस कहाँ पे है, जे पे। 10 का क्या है, 1KB इक्वल टू KB बराबर कितने बाइट, 1024। तो 4.10 का क्या होगा, L होगा, 1000 भी लिखा है तो ध्यान देना 1000 नहीं होता, 1024 bytes। KB का फुल फॉर्म टेराबाइट, GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट। ये हमारा एक सेट और कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं नेक्स्ट सेट पर। अगला सेट द टर्म बिट, चलो मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है।
टर्म बिट इज एब्रिविएशन ऑफ, बिट का मतलब बताया था बाइनरी डिजिट, तो 4.1 का जो आंसर होगा वो डी होगा। 4.2 फ्लिपबोर्ड इज अ टेम्पररी स्टोरेज, यही बताया था जब भी कोई चीज कट या कॉपी करते हैं तो कहाँ जाती है, क्लिपबोर्ड में जाती है। क्लिपबोर्ड इज टेम्पररी स्टोरेज एरिया यूज फॉर टेक्स्ट विच इज, क्लिपबोर्ड इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया यूज फॉर टेक्स्ट विच इज कट एंड कॉपीड। तो 4.2 का होगा वो आपका होगा एच, 4.2 का एच। 4.3 स्काई कोड्स आर बिट बाइनरी, जो साइड कोड होगा कोड्स आर कितने बिट का होता है, 8 बिट बाइनरी कोड। तो स्काई जैसे ए का स्काई कोड 65 होता है, हाँ 65, बी का 66, छोटे माले का 85 86 होता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्काई कोड्स आर कितने बिट के बाइनरी कोड होते हैं, 8 बिट के, याद देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्काई, स्काई का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कितने बिट का होता है, 8 बिट का। रिलेशनल डेटाबेस कंटेन्स, क्या कंटेन करते हैं, टेबल एंड क्वेरी। ठीक, डेटाबेस चाहे जैसा हो चाहे रिलेशनल, चाहे जो, हर डेटाबेस में टेबल और स्टेबल से क्वेरी करना। ठीक, तो 4.4 का जो आंसर होगा वो ए होगा। यूनिक्स कमांड यूज टू चेंज ओनरशिप, किस यूनिक्स कमांड से ओनरशिप चेंज करते हो, हम लोग जो ओनरशिप मतलब किसी को गेस्ट से एडमिन बनाना है, एडमिन से गेस्ट बनाना, जो भी चीज़ करना हो उसका जो कमांड होता है CHOWN, यानी सी एच मतलब चेंज, ओ डब्ल्यू एन मतलब ओनरशिप। देखो यहाँ पे आंसर तो खुद ही पकड़ लोगे, चेंज ओनरशिप यानी CHOWN। यूनिक्स में जो कमांड होता है चेंज ओनरशिप का CHOWN होता है। इसका 4.5 का जो आंसर होगा वो के होगा। अगला क्या होगा, 4.6 अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज वर्क, भले बताया कल ही बताया था, अ कलेक्शन वर्कशीट नोन एज वर्कबुक, वर्कबुक किस नंबर के, एफ नंबर, 4.6 का एफ। इफ़ यू एंटर 12+24 तो वैसे ही उत्तर आएगा, जुड़ेगा नहीं, 12+24 36 नहीं आएगा, ध्यान देना। तो 4.7 का जो होगा वो 12+24 ही होगा, आई जुड़ेगा नहीं। 4.8 इन चार्ट ऑन डेटा सीरीज कैन बी प्लॉट, इस चार्ट में ओनली वन डेटा सीरीज प्लॉट होता है, पाई चार्ट ही ऐसा इसमें केवल एक डेटा सीरीज प्लॉट होता है, एक्सेल क्वेश्चन है। तो 4.8 का जो होगा वो पाई चार्ट होगा, पाई चार्ट कहाँ पे है, पाई चार्ट जे नंबर। 4.9 ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी, तुम्हारा वर्ड एक्सेल फॉर प्रिंस एप्लीकेशन है, तुम्हारा तुम्हारा कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर, हमारा यूटिलिटी, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 4.9 का जो होगा वो जी हो। 4.10 कमर्शियल एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस एंड कंज्यूमर कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट, एब्रिविएशन है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, B2C का एम नंबर है। 4.10 का जो 10 का जो होगा वो एम होगा। अगला सेट, ए प्रिंटिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटिंग दैट क्रिएट अ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, प्रिंटिंग टाइप ऑफ प्रिंटिंग दैट क्रिएट डिजिटल इमेज बाई प्रोपरिंग ड्रॉप्स इन टू ऑन टू इंक पेपर। प्रिंटिंग हो, यहाँ प्रिंटिंग हो ही रही लेकिन प्रिंटिंग में ड्रॉप की, वैसे प्रिंटर को हम इंक जेट बोलते हैं। इंक जेट प्रिंटिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटिंग द क्रिएट डिजिटल इमेज बाई प्रॉपरिंग ड्रॉप्स ऑन इंक ऑन टू पेपर, पेपर पे इंक का ड्रॉप बन के जो प्रिंटिंग होती है उस प्रिंटर को हम लोग इंक जेट बोलते हैं। इसका जो 4.1 का जो होगा वो जी होगा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस कंप्यूटर, जो आंसर होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम OS होता है, वो क्या करता है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स, जो कंप्यूटर के सारे रिसोर्स को मैनेज करे, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करे, यूजर को मैनेज करे, सिक्योरिटी देखे, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग OS बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका 4.2 का जो होगा वो सी होगा। MS Excel आर न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज अ लेबल वैल्यू इफ प्रीसीड विथ एपोस्ट्रोफी, ठीक, एपोस्ट्रोफी लगा दोगे तो न्यूमेरिक वैल्यू ट्रीटेड एज अ वैल्यू प्रोसीड विथ
न्यूमेरिक कैन बी ट्रीटेड एज ए लेबल, लेबल यानी वो न्यूमेरिक नहीं रह जाएगा, वो एक लेबल, एक टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा। अगर आप उसमें एपोस्ट्रॉफी लगा देते हो तो 4.3 का जो होगा वो ए होगा। 4.4 अलॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में कोई एरर आती है उसको बग बोलते हैं, उसकी दूर करने की प्रक्रिया को डी बग बोलते हैं। एक वायरस का फुल फॉर्म बताया था, वाइटल इन्फेक्टेड रिसोर्स अंडर सीज। 4.5 कैन रिफर टू अ स्पेशलिस्ट इन वन एरिया ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग और टू अ जर्नलिस्ट हु राइट कोड फॉर मैनी काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामर, प्रोग्रामर एक स्पेशलिस्ट होता है जो एक बार किसी को कोड को लिखता है, अलग अलग यूज करते हैं। 4.5 का होगा वो डी होगा, प्रोग्रामर। रिफर टू मेंटेन एश्योरिंग द एक्यूरेसी ऑफ कंस्ट्रक्ट डेटा ओवर द एंटायर लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे क्या होगा, टू रिफर टू मेंटेनिंग एश्योरिंग एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी बोलते हैं। 4.6 का ई होगा डेटा। 4.7 का कमांड यूज टू मूव टेबल फ्रॉम द टेबल, यहाँ पे तो आंसर होगा ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल जैसे क्लिक ड्रॉप टेबल कमांड लिखोगे तो टेबल डिलीट हो जाएगा। ये किसका कोर्स है, DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 4.8 का शॉर्टकट की यूज टू एडिट ए कंटेंट ऑफ सेल इन MS Excel, F2। एक्सेल में कुछ लिखा इसको एडिट करना है, इसको एडिट करना है, F2 दबाओगे तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। F2 पे हम लोग एडिट कर सकते हैं F2 के माध्यम से। 4.9 का द कमांड यूज टू रिमूव फाइल इन यूनिक्स लाइन, किस कमांड के थ्रू हम लोग फाइलों को डिलीट कर RM, मैंने बताया था RM माइनस रोहित, तो रोहित की जो फोल्डर होगी डिलीट हो जाएगी। द ये ग्लोबल सिस्टम इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, क्या लिखा है, इज अ ग्लोबल सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क, और जो आंसर होगा वो इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, ग्लोबल सिस्टम, इसमें कई सारे नेटवर्क आके जुड़ते हैं, क्योंकि इंटरनेट की परिभाषा या इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 4.10 का जो होगा वो इंटरनेट और M। ठीक, तो ये हमारे आज के सेट समाप्त होते हैं, एक दो सेट और है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके साथ मैचिंग के साथ या ट्रूअल फॉल्स के साथ, तो उसकी वीडियो हम लोग ट्रूअल फॉल्स मैचिंग एक साथ लेके शायद आएँ। ठीक, तो आज के लिए मैं रखते हैं इसको, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर आपने आगे बढ़ा के देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस पेपर में आए हुए भी है। अगर आप ये वीडियो पूरी तरह देखते हैं तो ज़रूर मैं श्योर करता हूँ, या थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं हमारे नोट्स के थ्रू से, तो ज़रूर आप ओ लेवल का जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है वो पूरे के पूरे कर गए। बस आपको ये ध्यान देना है, जो क्वेश्चन है उसको पूरे ध्यान से पढ़ना है, और जो आंसर आपको लग जाए कि यही सही है उस पर टिक कर देना है, ताकि उसको आप कंसीडर ना करें। ठीक, थैंक यू सो मच। अधिक से वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा वीडियो हम बनाते रहेंगे। लेकिन थैंक यू सो मच, गुड नाइट, रात का समय हो गया इसलिए धीरे बोलना पड़ रहा है, बहुत सारे पकड़ में सो रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग दिन में बनाएंगे और तेज साउंड बनाएंगे, अगर साउंड की दिक्कत हो तो ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, थैंक यू सो मच, प्लीज कीप लाइकिंग सब्सक्राइबिंग।